फ्रेंड्स, मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं रेसलिंग ऑन। तो गाइस, जैसे कि हम सब जानते हैं, रेसलमेनिया 36 से पहले आज था सेकंड लास्ट रॉ का एपिसोड, जहां पर गाइस ब्रॉक लेसनर रिटर्न करने वाले थे और एज का चैलेंज एक्सेप्ट करने वाले थे रैंडी ऑर्टन। तो गाइस, क्या कुछ बड़ा छोटा हमें देखने को मिला इस मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में, मैं इस पूरे रॉ के एपिसोड को कवर करने वाला हूँ। तो गाइस, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी, इसे लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो गाइस, शो की शुरुआत करते हैं ब्रॉक लेसनर और पॉल हेमन, वो दोनों आकर रिंग के बीचों बीच खड़े हो जाते हैं, जिसके बाद पॉल हेमन कहते हैं कि भैया ब्रॉक लेसनर है रेनिंग डिफेंडिंग चैंपियन और उनके सामने जितने भी सुपरस्टार हैं सबको उन्होंने पछाड़ दिया। वो पूरी लिस्ट निकाल के बता देते हैं कि किन किन सुपरस्टार को उन्होंने हराया हुआ है, जिसके बाद पॉल हेमन कहते हैं कि वो तो रॉयल रंबल में तुक्का चल गया ड्रू मैकइंटायर का, जिसकी वजह से उन्होंने ब्रॉक लेसनर को एलिमिनेट कर दिया, लेकिन रेसलमेनिया में ब्रॉक लेसनर ड्रू मैकइंटायर को हरा देंगे और स्टिल रहेंगे देन नाउ फॉर एवर अवर चैम्पियन। जिसके बाद गाइस, मुझे लगता है कि इस सेगमेंट में अगर ड्रू मैकइंटायर आते तो ज़्यादा मज़ा आता और इन दोनों के बीच हमें अगर ब्रॉल देखने को मिलती तो मज़ा ही आ जाता और रॉ की शुरुआत इतनी धमाकेदार तरीके से हो जाती, लेकिन WWE ऐसा नहीं किया। और ड्रू मैकइंटायर मुझे समझ नहीं आई इस सेगमेंट में क्यों नहीं आए, अगर वो अभी नहीं आएंगे तो क्या रेसलमेनिया के बाद उन्हें WWE आएगी? कि हमने देखा गाइस, ब्रॉक लेसनर के जितने भी मैचेस रेसलमेनिया से पहले रहते हैं उधर एक ना एक बार तो ब्रॉल होती है, लेकिन यहाँ पर एक बार भी नहीं। एक बार हुई थी जहाँ पर ड्रू मैकइंटायर ने आराम से ब्रॉक लेसनर को धो दिया था क्लेमोर मार के, लेकिन इस बार मुझे लगता था ब्रॉक लेसनर को अपर हैंड दिया जाएगा, लेकिन गाइस WWE ने ऐसा नहीं किया। देखते हैं कि आगे चलकर हमें क्या देखने को मिलता है। उसके बाद गाइस, हमें अगला मैच देखने को मिलता है 2015 रॉयल रंबल का WWE चैंपियनशिप वाला, जिससे कोई मतलब है नहीं। तो आगे हमें धमाकेदार प्रोमो देखने को मिलता है एजे स्टाइल की तरफ से, जहाँ पर वो गाइस कहते हैं कि अंडरटेकर मिशेल मैकूल का गुलाम है, यानी कि जोर का गुलाम उन्हें कहते हैं, और उनकी काफ़ी ज़्यादा खिल्ली उड़ाते हैं। जिसके बाद वो कहते हैं कि डेडमैन देखो कहाँ चला गया है, और वो मार्क कैलवे का असली नाम यानी कि अंडरटेकर का असली नाम लेते हैं, जिसके बाद वो कहते हैं देखो डेडमैन क्या कर रहा है, ये अब डेडमैन नहीं रहा। और वो कहते हैं कि रेसलमेनिया में वो डेडमैन को वापस ले आएंगे। जिसके बाद वो गाइस वो कहते हैं कि वो एक स्टिपुलेशन डाल रहे हैं इस मैच में, और वो स्टिपुलेशन है बोन यार्ड मैच, जिसके बाद मुझे भी कुछ नहीं पता और वहाँ बैठे कॉमेंटेटर्स तक को नहीं पता है, जिसके बारे में हो सकता है WWE आगे हमें बताएगी। आगे हम बढ़ते हैं गाइस, आगे हमें देखने को मिलती है एक अनाउंसमेंट, जहाँ अनाउंस होता है कि स्ट्रीट प्रॉफिट्स अपना टैग टीम टाइटल्स को डिफेंड करेंगे एट रेसलमेनिया अगेंस्ट एंजल गार्जा एंड अंद्रादे। क्या गाइस, सही न्यूज़ मैं आपको बता रहा हूँ और बिल्कुल सही है। और WWE ने पता नहीं किस एंगल से इस मैच को बुक किया, इस मैच का कोई सिर पैर तो मुझे दिखता नहीं है, और ऊपर से अंद्रादे को यूनाइटेड स्टेट चैम्पियन भी दे रखी है और उन्हें फिर से टाइटल मैच में डाला जा रहा है, उन्हें ड्यूल चैम्पियन तो नहीं बनाने वाले, ये तो गाइस पता नहीं। लेकिन गाइस, WWE के मेरे ख्याल से लगता है सटक गई हुई है, और यूनाइटेड स्टेट चैम्पियनशिप को अगर अभी डिफेंड नहीं करवाओगे तो कब करवाओगे लाइव इवेंट्स में? और मुझे तो समझ नहीं आई WWE ने ऐसा मैच क्यों बुक किया। इसके अलावा और भी डिजर्विंग टैग टीम थी, जैसे AOP वाइकिंग रेड्स, इनको मौका दिया जाता और अगर उनको मौका दिया जाता तो मैं इस मैच के लिए ज़्यादा एक्साइटेड रहता। लेकिन गाइस, WWE हम कुछ कंप्लेन तो कर नहीं सकते। अब इनका इस मैच की बात करें जो कि हमें देखने को मिलता है, एंजल गार्जा एंड अंद्रादे वर्सेस रिकोशी एंड सैड्रिक अलेक्जेंडर, और ये सैड्रिक अलेक्जेंडर और रिकोशी वही सुपरस्टार हैं जिन्हें एक टाइम पर पुश किया जा रहा, और इस मैच में सिर्फ उन्हें हरवाने के लिए लाया गया था। विंस मैकमैन ने सोचा होगा कि कोई सुपरस्टार है नहीं तो इन्हें दोनों को ही भेज देते हैं, हार के आ जाएंगे। और गाइस, स्पेशली रिकोशी को देख के ऐसा बिलीव नहीं होता कि वही सुपरस्टार है जो कुछ देर पहले हमने देखा था कि ब्रॉक लेसनर को चैलेंज कर रहा था सुपर शोडाउन में फॉर WWE चैंपियनशिप। तो देखते हैं WWE कैसे बड़े से बड़े सुपरस्टार को पहले तो पुश करती है और उसके बाद नीचे धड़ाम से फेंक देती है, और रिकोशे उसकी एग्जांपल है। लेकिन गाइस, बात करें इस मैच की तो यहाँ पर जीत हासिल की एंजल गार्जा और अंद्रादे ने, जिसके बाद स्ट्रीट प्रॉफिट्स भी आ जाते हैं। उन दोनों टीम के बीच हमें थोड़ा सा ब्रॉल देखने को मिलता है, जिसके बाद स्ट्रीट प्रॉफिट्स अपना मैच रेसल करते हैं अगेन लोकल टीम्स, जहाँ पर वो आराम से जीत हासिल कर लेते हैं। उसके बाद गाइस, हमें एक इंटरव्यू देखने को मिलता है, चार्ली ग्रूसो इंटरव्यू ले रही होती हैं शाइना बेजलर का, जहाँ पर गाइस शाइना बेजलर उन्हें एकदम डरा के रख देती हैं अपने जो एक्सप्रेशन से। और गाइस, हम देखते हैं चार्ली ग्रूसो जब शाइना बेजलर का इंटरव्यू कर रही होती है तब इन दोनों पर स्पॉटलाइट पड़ी होती है और आगे पीछे अंधेरा होता है, जिसका फ़ायदा उठाकर बैकी लिंच आउट ऑफ नोवेयर से आ जाती है, पता नहीं चलता कहाँ से वो आती हैं।
और वो चेयर शॉट लगा देती है शेना बिजलर के ऊपर, जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। और कह सकता हूँ मैं इस सेगमेंट, अगर मैं बैकी लिंच चेयर शॉट नहीं लगाती तो ये सेगमेंट बिल्कुल घटिया हो जाता, लेकिन मुझे सेगमेंट में काफ़ी मजा आया जब बैकी लिंच ने अटैक किया शेना बिजलर पर। और ये ब्रॉक लेसनर ड्रू मैकइंटायर से तो ठीक ही था। लेकिन गाइज अगर हम बात करें जो अगला मैं देखने को मैच से देखने को मिलता है एलिस्टर ब्लैक वर्सेस लोकल कम्पिटिटर के बीच, और गाइज फिर से एलिस्टर ब्लैक को एक लोकल सुपरस्टार से भिड़वाया जाता है और यहाँ पर वो जीत हासिल कर लेते हैं। लेकिन गाइज एक अनाउंसमेंट होती है, एलिस्टर ब्लैक फेस करेंगे बॉबी लैशली को एट रेसलमेनिया 36। कोई सेंस नहीं इस फिर से इस मैच की भी, और कोई सिर पैर है नहीं, ये दोनों सुपरस्टार का दूर दूर तक कोई कनेक्शन ही नहीं, उनकी कोई फ्यूड नहीं, बिल्कुल ऐसे जैसे हम आम पेपर व्यू में देखते हैं कि WWE को मैच भरना होता है, वैसे इस मैच को भी भर दिया गया। और गैस मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि ये मैच क्यों किया गया है, कोई सर पैर नहीं। एक तो WWE कहती है कि काफ़ी खतरा है, वो ज़्यादा मैच करवा नहीं सकते, और ऐसे बेफालतू के मैच भरे जा रहे हैं, लेकिन हम फिर से कुछ कंप्लेन कर नहीं सकते। और लेकिन मुझे लगता है ये मैच काफ़ी बढ़िया हो सकता है अगर WWE इसे रेसलमेनिया में अच्छे से बुक करे तो। लेकिन गाइस अगर हम बात करें अगले सेगमेंट की, जहाँ पर केविन ओवेंस कॉल आउट करते हैं सेथ रॉलिंस को, उसके बाद सेथ रॉलिंस आ जाते हैं और वो प्रोमो कट करते हैं अगेंस्ट केविन ओवेंस, उसके बाद कहते हैं कि तुम कहते तुम परफॉर्मेंस सेंटर में मुझे हराओगे, तुम ये हो वो, लेकिन तुमने किया क्या है? और वो कहते हैं कि परफॉर्मेंस सेंटर मेरी वजह से, NXT मेरी वजह से, और तुम मेरी वजह से हो। और उसके बाद वो कहते हैं कि मेरे रेसलमेनिया मूवमेंट बहुत सारे हैं, मैंने इंटरकॉन्टिनेंटल चैंप वहाँ पर बनाओ, और मैंने मनी इन द बैंक कैशिंग किया है, और मैंने यूनिवर्सल चैंपियनशिप जीती है, मैंने Triple H ब्रॉक लेसनर जैसे बड़े बड़े सुपरस्टार को रेसलमेनिया में हराया, लेकिन तुम्हारा क्या रेसलमेनिया मूवमेंट है? कुछ भी नहीं। जिसके बाद सेथ रॉलिंस काफ़ी बोलते हैं और केविन ओवेंस की बोलती बंद हो जाती है, क्योंकि उनके पास बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। लेकिन गाइस उसके बाद सेथ रॉलिंस कहते हैं तुम फेलियर ही होते रहे हो, और रेसलमेनिया में मैं तुम्हें हरा दूंगा। क्या केविन ओवेंस का कुछ नहीं बोलते, और मुझे लगता है सेथ रॉलिंस काफ़ी ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट है, और उनका ओवर कॉन्फिडेंस केविन ओवेंस तोड़ने वाले रेसलमेनिया में। लेकिन गाइस ये तो बात की बात है। अगला जो मैं लास्ट का सेगमेंट देखने को मिलता है वो था द वाइपर रैंडी ऑर्टन का, जहाँ पर वो आकर एज के चैलेंज के बारे में बात करते हैं। वो कहते हैं कि एज को लगता है कि मेरे नाम के आगे ऑर्टन है, इसलिए मुझे बैठे बैठाए सब कुछ मिल जाता है। और वो कहते हैं कि मैं तुमसे काफ़ी ज़्यादा प्यार करता हूँ, इसलिए मैंने तुम पर अटैक किया ताकि तुम अपनी फैमिली के पास वापस जा सको और उनके साथ ही रह सको। जिसके बाद वो कहते हैं कि तुमने स्टोरी लिखी होगा। इस लास्ट एपिसोड अगर आपने ध्यान से सुना होगा जहाँ पर एज का प्रोमो चल रहा था, गाइस उन्होंने कहा था कि मैं ये स्टोरी लिख रहा हूँ। जिसके बाद रैंडी ऑर्टन कहते हैं कि तुम बेशक ये स्टोरी लिख रहे हो, लेकिन इस स्टोरी को एंड मैं करूँगा। जिसके बाद वो कहते हैं आई एक्सेप्टेड, जिसके बाद ये ऑफिशियली फाइनली कन्फर्म हो जाता है कि एज वर्सेस रैंडी ऑर्टन का मैच हमें देखने को मिलेगा एट रेसलमेनिया 36। और रैंडी ऑर्टन के इस धमाकेदार प्रोमो के साथ गाइस ये रॉ का एपिसोड ख़त्म हो जाता है। और गाइस अगर मैं बात करूँ पूरे ओवरऑल रॉ के एपिसोड की, तो मुझे मीडियम सा लगा, ज़्यादा कुछ खास था ना, ज़्यादा बकवास। और गाइस अगर मैं बात करूं इसको रेटिंग देने की, वैसे मैं रेटिंग देता नहीं, अगर दूं तो गाइस मैं दूंगा 10 में से 5, क्योंकि ज़्यादा कुछ था नहीं और ज़्यादा ख़राब नहीं था जैसे कि मैंने कहा। और गाइस आप मुझे अपनी रेटिंग बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में, एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। तो गाइस इस वीडियो को लाइक करना तो कहीं में जाइएगा, और साथ साथ आप कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन, ताकि आपको हमारे चैनल पर ऐसी WWE और प्रो रेसलिंग से जुड़ी अपडेट्स, न्यूज़, रूमर्स और इंटरेस्टिंग बातें जानने को मिलती रहें। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।